नागपुर में अहले सुन्नत व जमात की तरफ से सेवा सदन चौक पर कोल्हापुर जिले के विशालगढ़ में हुई हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। 14 जुलाई 2024 को कुछ युवकों ने विशालगढ़ की रजा जामा मस्जिद पर हमला करते हुए गुंबद और मीनार को क्षतिग्रस्त कर दिया और मस्जिद पर दूसरे समुदाय का झंडा लगाया। रहमान मलिक दरगाह पर भी पथराव किया और वहाँ के स्थानीय लोगों के घरों को आग लगाई और दुकानें लूटी। उस हिंसा में वहाँ के स्थानीय लोग और कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। इस विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। धरने में शामिल हुए लोगों ने कहा कि भारत एक खूबसूरत देश है और भारत शांति और सहिष्णुता के लिए जाना जाता है। देश में इस तरह की घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटनाओं से देश की छवि खराब होती है और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। विरोध करते हुए लोगों ने ये भी कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्य में कानून व्यवस्था बरकरार नहीं रख सकती तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मायावती सरकार राज्य में हिंसा को रोकने में असफल रही है। राज्य के विपक्ष महाविकास आघाड़ी पर निशाना साधते हुए लोगों ने ये भी कहा कि कोल्हापुर जिले में हुई हिंसा के मामले में विपक्ष खामोश क्यों है। राज्य के विधानसभा में इस विषय पर चर्चा क्यों नहीं होती। विपक्ष को सिर्फ चुनाव के समय लोगों की समस्या याद आती है। विपक्ष की भूमिका देखकर ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में एक मजबूर विपक्ष बैठा है जो कुछ नहीं कर सकता। इस विरोध प्रदर्शन के आयोजकों ने कहा कि हम दूसरी बाबरी नहीं होने देंगे और राज्य में किसी को भी कानून व्यवस्था खराब करने नहीं देंगे। सरकार से पूछा कि देश में अल्पसंख्यकों की जान सस्ती हो गई है क्या। जीव हत्या को पाप बताने वाले और जानवरों के अधिकारों की बात करने वाले संगठन इंसानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ खामोश क्यों है। क्या उन्हें हिंसा में घायल हुए इंसान नजर नहीं आते हैं क्या। लोगों और आयोजकों ने राज्य सरकार से हमलावरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की और सबसे शांति बनाए रखने की अपील की है। इस धरने में मोहम्मद समीर कादरी, हाजी मोहम्मद, वसीम इकबाल, शाहिद खान, फिरोज खान, शाहरुख खान, डॉक्टर मोहम्मद अवेज हसन, मोहम्मद ताहिर रजा, वसीम खान वादी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। जो चांदी कोल्हापुर के विशाल घर में मस्जिद के अंदर घुसकर कुरान शरीफ की बदमूर्ति की गई और जो लोगों ने किया वो अपने आप को शिवभक्त बता रहे हैं, क्योंकि शिवाजी राजे के नाम का अपमान करने के बाद शिवाजी राजे ने अपने जीवन में कभी भेदभाव नहीं किया। उनके साथ के लोग मुस्लिम भी थे, वो मुस्लिम समाज का उतना ही इज्जत करते थे जितने हिंदू समाज की इज्जत करते थे। तो ये जितने भी उग्रवाद किया है वहाँ के लोग जो वहाँ के रहने वाले मुस्लिम हैं उनके घरों में घुसकर जलाए, उनकी गाड़ियों को जला दिया गया, उनके अनाज को फेंक दिया गया, उनके घर के पैसे सोना लूट लिया गया। तो ये बहुत शर्म की बात है। हमारे प्रशासन से, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से यही अपील है कि ऐसे उग्रवादियों को आतंकवादी घोषित किया जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।